नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। कल जो दुर्घटना घटी है इसने पूरे अखबार इंडस्ट्री और मीडिया इंडस्ट्री को हिला दिया है। आखिरकार राजधानी में क्यों नहीं थम रहे हैं नाबालिगों पर हत्याएं, नाबालिगों पे जो अत्याचार हो रहा है। कल दक्षिण दिल्ली के संगम विहार इलाके से जो खबर सामने आई है, 17 वर्षीय इरफान की हत्या कर दी गई है। हत्या आधा दर्जन से भी ज्यादा अज्ञात बदमाशों ने की। बताया ये जा रहा है कि 8 अज्ञात बदमाश आए, इरफान को बुरी तरीके से एक ही जगह पर कई बार चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी जान ले ली, उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उनकी बड़ी बहन को एक कॉल जाता है। ये लगभग 6:30 बजे के तकरीबन का मामला है। 6:30 बजे के करीब उनकी बहन को कॉल गया कि आपके भाई की हत्या कर दी गई है। हत्या में जो 8 अज्ञात बदमाश, अभी तक उनका खुलासा नहीं हुआ है कि वह कौन थे, कहां से आए थे। लेकिन उसके चचेरे भाई ने, इरफान के चचेरे भाई ने कहा कि 2 दिन पहले इरफान की कुछ लड़ाई हुई थी। इसके बाद 2 दिन के बाद ही यह घटना निकल कर सामने आई। लेकिन वह बच्चा नाबालिग था, 17 वर्ष का था इरफान। उसके कई सारे उम्मीद और कई सारे सपने होंगे, लेकिन आज उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। अपने खजूरी खास वाला मामला सुना होगा या पढ़ा होगा। खजूरी खास में भी एक नाबालिग को चाकू मारकर हत्या की गई थी। उसके बाद संगम बिहार का यह मामला सामने आया है। इसकी बड़ी बहन विलखते हुए बताती है कि मेरा भाई बहुत अच्छा था, कभी किसी से मारपीट लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, उसके व्यवहार अच्छे थे। मुझे नहीं पता सर, मेरे को अभी मैं घर पे पहुंची हूँ। 6:30 बजे मैं ड्यूटी से आई हूँ, तो मेरा भाई सारा काम करके 4 बजे निकलता है, यहाँ क्लास में आता है अमृता पब्लिक स्कूल में। तो मुझे यहाँ से मेरी बहन का फ़ोन आता है कि ऐसा है, इरफान को किसी ने मार दिया, तू जाके जा। मैं सीधा आई हूँ भगे मेरा भाई को दिखाया मेरी, मेरा भाई 17 साल का था, कुछ नहीं करता था, घर में ही रहता था। पता नहीं उस दिन पहले बता रहे थे इसकी, 2-4 दिन पहले इसके थोड़ा सा झगड़ा सा हुआ था, और कुछ नहीं हुआ। हम तो अभी ड्यूटी से आए थे, तो हमें बताया गया कि आपके भाई का यहाँ मर्डर कर दिया गया है। तो जैसे ड्यूटी से आगे देखा तो यहाँ उल्टा पड़ा था, उसके 7 से 8 चाकू घुसे पड़े थे अंदर, और अभी तक घुसे पड़े ना, कोई देखने दे रहा ना कुछ। अभी इतनी देर से फैमिली वाले बोल रहे हैं एक बार दिखा दो, एक बार देखने दो, देखने दो, कोई देखने नहीं दे रहा। ये सर ये घटना तो नहीं मालूम, पर 1 घंटे हो गया समथिंग, 1 घंटा हो गया जब हुआ था ये सब। और कम से कम बता रहे हैं 7 लड़के थे, पता नहीं चला, यहाँ कोई बता नहीं रहा। कोई एक आंटी बता भी रही थी तो बोल रही थी सांसें चल रही थी, पर पुलिस वाले लेके नहीं गए उसे, उसके सांसें चल रही थी, कोई उठा के नहीं ले गए यहाँ से। तो बस ये हुई थी बात। हाँ जी, 7 से 8 चाकू लगे पड़े उसके। इसके बाद घटना के बाद आसपास के लोगों ने भी कुछ चीज़ें बताई कि तकरीबन 8 लोग आए थे और इरफान को ताबड़तोड़ चाकू मारा गया, हत्या कर दी गई। मौके पर पुलिस आई, पुलिस अभी छानबीन कर रही है और जो मौके पर सीसीटीवी फुटेज निकालने की कोशिश कर रही है। जांच पड़ताल में दिल्ली पुलिस जोरों शोरों से लगी हुई है। बहुत जल्द बताया जा रहा है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। के बाद वहां के पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने अपने बयान में कहा कि यह बताया जा रहा है 6:30 बजे करीब उन्हें सूचना मिली, संगम बिहार के मदर डेयरी के पास युवक को चाकू से हमला किया गया। हम 6:30 बजे खबर मिलती है कि एक इरफान अलियास कातिल हैं जिनकी डेथ हो गई है। ये 17 साल के हैं और K2 ब्लॉक संगम विहार में का ये मुद्दा है जो अभी तक नॉलेज में है। इसके बारे में इंक्वायरी चल रही है अभी। जो है ये ऑब्जर्वेशन होम से बाहर आए थे अभी इरफान रिसेंटली, और मल्टीपल टीम्स काम कर रही हैं, इन्वेस्टिगेशन चालू है, क्रैक टीम्स लगी हुई हैं थानों की सब डिवीजन लेवल पे, और स्पेशल स्टाफ ATS और ANS की टीम भी काम कर रही हैं। जल्दी ही एक्यूज को पकड़ लिया जाएगा। वेपन ऑफ ऑफेंस है वो, अभी तक चाकू है जो दिख रहा है, मल्टीपल स्टैब वुंड्स हैं। एग्जैक्ट नंबर उनका PM रिपोर्ट के अंदर पता चल पाएगा। मल्टीपल टीम्स काम कर रही हैं थाने लेवल पे, सब डिवीजन लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी टीम्स लगी हुई हैं। इरफान अभी रिसेंटली ही ऑब्जर्वेशन होम से बाहर आए हैं, 17 साल के हैं ये। हमले किए गए, हमले के दौरान ही उसकी चंद मिनटों में ही मौत हो गई थी। परिवार में बहुत शोक का माहौल है, परिवार वाले बहुत दुखी हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पुलिस वालों ने दावा किया है कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
लेकिन सवाल तो बहुत सारे उठते हैं, आखिर क्यों राजधानी में नहीं थम रहे हैं नाबालिगों पर अत्याचार? आखिर क्या नई दिल्ली में अपराध होना बंद होगा? और भी कई सारे सवाल उठते हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस तरीके की घटना पर एक नया लॉ रूल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार, फिलहाल इस खबर पर इतना ही। आप देख रहे हैं झलको दिल्ली, कैमरामैन नरेश के साथ मैं शमी रंजन। जय हिंद, जय भारत।